पीटर पार्कर एक आम सा लड़का जो हर दिन कॉलेज जाता है और कॉलेज से घर आता है। पीटर के पास कोई दोस्त नहीं है और न ही इज्जत, और उसकी एक क्रश भी है जो उस पे किसी तरह से ध्यान नहीं देती है। रात को सोते वक्त पीटर अपने जिंदगी की बोरियत के बारे में सोचता है और सोचते सोचते सो जाता है। लेट सोने के कारण वह लेट उठता है और उसकी बस छूट जाती है। हाँ, वह अपने कॉलेज बस से ज्यादा भाग के गया है। फिर पीटर हांफते हुए अपने कॉलेज पहुंच जाता है और उसका एक लेक्चर मिस हो जाता है और अगली क्लास लैब में थी। सभी छात्रों के साथ पीटर भी लैब में चला जाता है। लैब का रिसर्चर उन्हें एक सुंदर सी मकड़ी दिखाता है जो कांच के बॉक्स में बंद रहती है, और वो उन्हें बताता है कि यह प्रजाति कुछ दिनों पहले ही खोजी गई है और आज इस पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, और रिसर्चरों को उम्मीद है कि इससे उन्हें जरूर कुछ अद्भुत ज्ञान मिलेगा। इसके बाद सभी लोग आगे चल जाते हैं, लेकिन पीटर आगे नहीं जाता और उस मकड़ी को देख रहा होता है। वो मकड़ी उसे बहुत अच्छी लगती है। पीटर मौका पाकर उसे बॉक्स से बाहर निकालता है और अपने बैग में डाल लेता है और सभी से बचकर वहां से चला जाता है। पीटर अपने घर पहुंच जाता है और उसके साथ उसके अंकल और आंटी भी रहते हैं। पीटर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और बैग में से उस स्पाइडर को बाहर निकालता है और उसे अपने गमले में छोड़ देता है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है और उसके अंकल वहां आते हैं। उन्हें काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना है और वो पीटर को साथ चलने के लिए बोलते हैं, और पीटर भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। रात हो जाती है, पीटर और उसके अंकल घर आते हैं। वे साथ में डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद पीटर अपने रूम में सोने चला जाता है। बेड पे लेटा हुआ पीटर पार्कर एक झलक मकड़ी की ओर देखता है और देखने के बाद वो सो जाता है। आधी रात होते ही पीटर को एक सपना आता है। सपने में उसे एक एंजल दिखती है और वो उसे शुक्रिया कह रही होती है। तो इस पर पीटर हैरान होता है और पूछता है कि किस लिए। तो एंजल बताती है कि उसके यूनिवर्स में उससे एक गलती हुई थी और उस यूनिवर्स के देवता ने उसको सजा के तौर पर उसको श्राप दिया था कि वह मकड़े के रूप में इस यूनिवर्स में आएगी, और यह श्राप तब खत्म होगा जब कोई नेक इंसान आकर उसकी जान बचाएगा। पीटर कुछ खास समझ नहीं पाता और एंजल उसे कहती है कि तुमने एक स्पाइडर की जान बचाई है तो मैं तुम्हें स्पाइडर के ही गुण दे रही हूँ। लेकिन पीटर के सब ऊपर से जा रहा होता है और वो उससे पूछता है कि क्या गॉड होते हैं। एंजल कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराती है और वहां से गायब हो जाती है। पीटर की आंख खुल जाती है और वह स्पाइडर की ओर देखता है, पर अब वह वहां नहीं होता है। रात काफी हो जाने के कारण वह ज्यादा कुछ नहीं सोचता और दोबारा सो जाता है। एक बार फिर पीटर सुबह लेट उठता है और उसकी बस फिर छूट जाती है। फिर वो भागना शुरू करता है, लेकिन अब वह अपने आप को काफी फुर्तीला और ताकतवर महसूस कर रहा होता है। भागते भागते वह अपनी बस को भी पीछे छोड़ देता है, जो कोई आम बात नहीं थी। तब उसे उस एंजल की बातें याद आने लगती हैं। वह पास की ही सुनसान गली में चला जाता है। सामने बिल्डिंग की दीवार होती है। वह उस तरफ भागता है और सामने कूद जाता है और जाकर बिल्डिंग की दीवार पर आधी ऊंचाई पर जाकर चिपक जाता है। इतने में उसका बैलेंस बिगड़ता है और वह नीचे गिरने लगता है। तभी उसके हाथ से एक पतली और मजबूत रस्सी निकल आती है, जिसके सहारे वह जमीन पर बिल्कुल सुरक्षित उतर जाता है। अब उसे एंजल की बात पे पूरा यकीन हो जाता है और उसे समझ में आता है कि उसके पास स्पाइडर्स की पावर है। ये सब चीजें देखकर वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है। वह उस गली को छोड़कर अपने घर की ओर चलने लगता है और थोड़ी दूरी पर वह देखता है कि एक पुलिस वाला एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा होता है। तो फिर पीटर भी पुलिस की मदद करने को सोचता है। वो अपनी पावर्स की वजह से उसे आसानी से पकड़ लेता है। ये सब देख पुलिस वाला उसकी काफी तारीफ करता है, लेकिन वो क्रिमिनल उसे जान से मारने की धमकी देने लगता है। इस पर पीटर थोड़ा शॉक होता है और अपने घर की ओर चल पड़ता है। पीटर अपने घर पर पहुंच जाता है और अपने कमरे में चला जाता है, और वो अपने कमरे की छत पे उल्टा लटक के कुछ सोच रहा होता है। और तभी उसके अंकल कमरे में आ जाते हैं और उसे ऐसी हालत में देख लेते हैं।